ओ भाई व्हाट द हेल इज दिस। तो गाइज अगर आप लोगों को याद होगा तो पिछली बार इविल साइंटिस्ट डॉक्टर पनीर पकोड़ा लाल ने हमारे वर्ल्ड पे अटैक कर दिया था। फ्लैशबैक। आज डॉक्टर पनीर पकोड़ा लाल से कोई नहीं बच सकता, आज सभी का यहाँ पे द एंड होने वाला है। लेकिन तुम्हारे इपिक भाई ने आयरन मैन बनके उसके चमचे बिदर को हरा दिया। बट फिर से एक छोटी सी प्रॉब्लम हो चुकी है, मेरा आयरन मैन सूट चोरी हो गया। और एक और छोटी सी प्रॉब्लम हो चुकी है, डॉक्टर पनीर पकोड़ा लाल के चमचों ने इस बार न्यूयॉर्क सिटी पे अटैक कर दिया। बट इपिक तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता? आई नो अब तुम लोग ये जानना चाहते हो कि मुझे ये सारी बातें कैसे पता, तो ये देखो मुझे खुद निक फ्यूरी ने ये सारी बातें बताई है। और ये देखो सारे शील्ड के एजेंट यहीं पे आ गए। भाई तुम लोगों को नहीं पता डॉक्टर पनीर पकोड़ा लाल कितना खतरनाक है, मुझे तो लगता है मेरा आयरन मैन सूट उसी ने चोरी करवाया है। कोई बात नहीं, अपने सूट को तो मैं ढूंढ ही लूंगा, लेकिन पहले मुझे न्यूयॉर्क सिटी को बचाना है। ये देखो मैंने यहाँ पे अपना टेम्पोरी बेस सेटअप कर लिया है, इस कंप्यूटर से मैं पता लगा रहा हूँ कि मेरा सूट किसने चोरी किया। ये देखो मैंने अपना आयरन सूट यहीं रखा था एंड सुबह होते ही वो गायब हो गया। तो इसीलिए अभी काम चलाने के लिए आज हम लोग बनाने वाले हल्क आर्मर, अभी तो न्यूयॉर्क सिटी को बचा पाऊंगा, नहीं तो ऐसे तो मार मुड़ के कचुम्मर बना देंगे मेरा। लेकिन उससे पहले क्या आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया? नहीं किया तो फटाक से कर लो। एंड हाँ मेरा खुद का डिस्कॉर्ड सर्वर भी है, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मिलते हैं संडे को, बात करेंगे कि कैसे डॉक्टर पनीर पकोड़ा लाल को हरा सकते हैं। तो गाइज हल्क आर्मर बनाने के लिए मैंने सब कुछ सेट कर रखा है, कंप्यूटर सेट कर रखा है, इतनी सारी मशीनें सेट कर रखी है, वर्कबेंच सेट कर रखा है। तो बस हम लोगों को एक फुल्ली आयरन आर्मर चाहिए एंड एक अमेजोनाइट और चाहिए ताकि हम लोग आयरन आर्मर को हल्क आर्मर में कन्वर्ट कर सके। तो हम लोगों के पास आयरन तो है नहीं फिलहाल, तो हम लोगों को सबसे पहले आयरन कलेक्ट करना पड़ेगा एक फुल्ली आर्मर सेट बनाने के लिए। तो चलो आयरन ढूंढते हैं, उसे ढूंढने में तो ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। भाई मेरे घर का ख्याल रखना, देखो मैंने यहाँ पे इतनी सारी मशीन बिठा रखी है, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। आई नो आयरन मैन के हिसाब से ये घर बड़ा ही घटिया है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने शहर में नहीं ना है। पता नहीं निक फ्यूरी ने मुझे कौन से विलेज में भेज दिया है। देख रहे हो सुपर हीरोज कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, और अभी तो मुझे और ज्यादा मेहनत करना है, मुझे आयरन ढूंढना पड़ेगा। एंड व्हाट द हेल इज दैट, मुझे तो लग रहा है ये भी डॉक्टर पनीर पकोड़ा लाल की करतूत होगी। ओके चल के देखना पड़ेगा, लेट्स गो। एंड आयरन दिख गया मुझे, चलो दिख गया है तो कलेक्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 पता नहीं कितने सारे आयरन है। ओके तो 6 आयरन ऑलरेडी कलेक्ट कर लिए मैंने। एंड वो देखो वहाँ पे भी आयरन है, थैंक गॉड भाई, अब मुझे कहीं दूर दराज जाके माइनिंग ये सब नहीं करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे भी ढेर सारे आयरन है। तो गाइज ऑलरेडी मेरे पास 14 आयरन हो चुके हैं, तो अब बस थोड़ा सा ही आयरन चाहिए फिर हम लोग फुल्ली आयरन आर्मर सेट बना पाएंगे। एंड ये क्या है भाई, थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे मुझे अच्छा वाला फीलिंग नहीं आ रहा है। एंड यहाँ पे दो दो चेस्ट हैं। भाई लगता है पनीर पकोड़ा लाल ने इस घर को तबाह कर दिया, कितना प्यारा घर लग रहा है देखने में। अरे डैमेज कैसे हो गया भाई, कितना प्यारा घर लग रहा है, ये किसने कर दिया इसके साथ? Oh, what the hell is that? भाई ये क्या है, अरे भाई ये क्या है, देखो इसकी आंखें कैसी चमक रही है। अरे भाई मैं आयरन मैन हूँ, देखो पैसा ले लो लेकिन मुझे छोड़ दो, इसी ने इस घर की ऐसी हालत की होगी। भाई 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 भागना पड़ेगा यार, आयरन मैन सूट रहा था तब ना मैं इसे बताता। अरे रुक जाओ, स्वॉर्ड तो है, इससे पंगा लेना चाहिए क्या? लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, ट्राई करता हूँ, आई होप मर ना जाओ। अरे भाई भाई बहुत ज्यादा डैमेज देता है, ओ नो, भागो भागो भागो। भाई वन शॉट में मेरी हेल्थ कितनी कम कर दी इसने, यार जिसने भी मेरा आयरन मैन सूट चुराया होगा ना भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। अरे यार इसे मैं कैसे मारू, ओ रुक जाओ, जैसे मैं आयरन गोलम को मारता हूँ ऐसे मारूंगा इसे। है अब क्या हुआ, अब मारो ना, मैं तो फालतू का डर रहा था इससे। आ जाओ, क्या हुआ, लाल लाल लाख दिखाने से कुछ नहीं होगा। अरे इधर आ ही नहीं रहा है, समझदार हो गया है क्या? भाई इधर आना तभी तो तुझे मार पाऊंगा मैं। ओके आ रहा है, येलो, क्या हुआ, डरफोक डर रहा है, येले, एंड ही इज डेड। भाई ये स्टोन गोलम बड़ा खतरनाक था, एक शॉट में इसने मेरी हेल्थ आधी कर दी। ओके फिर भी मैंने इसे टपका दिया, तो चलो अब चेक करते हैं इन सभी चेस्ट में क्या है। तो यहाँ पे ओहो डायमंड है, चलो सही है, एंड थोड़े बहुत आयरन भी है, गन पाउडर भी है, म्यूजिक डिस्क भी है, एंड ये क्या है, रूबी ओर, पता नहीं इसका क्या यूज है, थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा तब पता चलेगा। एंड एक और चेस्ट मैंने यहाँ पे देखा था, हाँ ये रहा, तो यहाँ पे भी आयरन है। एंड ये कौन सा अजीब गरीब ओर है, अमेजोनाइट ओर। अरे भाई यही तो चाहिए मुझे आयरन आर्मर को हल्क आर्मर में कन्वर्ट करने के लिए। तो चलो शायद सब कुछ का इंतजाम हो गया है, आयरन का इंतजाम तो नहीं हुआ, थोड़ा बहुत और आयरन कलेक्ट करना पड़ेगा। ओके चलो आयरन भी कलेक्ट कर लेते हैं। यार सुपर हीरोज का लाइफ बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, एक तो मैं अपने घर से इतना दूर हूँ, ऊपर से मुझसे माइनिंग ये सब करवा रहे हैं। ओ इधर क्या है, केब है एंड आयरन भी है। ओके चलो सारा काम हो गया, तो क्या इतने में हम लोग का फुल्ली आयरन सेट बन जाएगा?
अरे अब तो फाइनली पक्का बन जाएगा। ओके तो चलो फाइनली सब कुछ का इंतजाम हो गया है, अब हम लोग हल्क आर्मर बना सकते हैं। हेलो गाइस कैसे हो तुम लोग। हेलो निक फ्यूरी सर क्या कर रहे हो। अरे तू जा रही। अरे हाँ ठीक है जा रहा हूँ न्यूयॉर्क सिटी को बचाने, इतनी भी क्या जल्दी है। तो सबसे पहले तो इन सभी आयरन ओर को कन्वर्ट करना पड़ेगा आयरन इनगेट में, एंड अब हम लोगो को थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा। ए फ्यू मिनट्स लेटर। ओके तो सारे आयरन ओर आयरन इनगेट में बन चुके हैं, अब चलो फटाक से पहले इन सभी का आयरन आर्मर बनाते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं टोपी, फिर बनाते हैं अपना टी शर्ट, फिर हम लोग अपना चड्डी बनाते हैं, बन गया, एंड अब फाइनली जूता बनाते हैं, सब कुछ बना लिया। एंड गाइस अब हम लोग फाइनली बना सकते हैं हल्क आर्मर। तो हल्क आर्मर बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे इन सभी को फेंकना पड़ेगा यहाँ वर्क बेंच पे, एंड अब ये हरा वाला ओर फेंकेंगे यहाँ पे एंड ये सभी हल्क आर्मर में कन्वर्ट हो जाएंगे। देख रहे हो मेरे बिग ब्रेन का कमाल, इतना मस्त टेक्नोलॉजी बनाया है ना कि सब कुछ इसी वर्क बेंच से हो जाता है। चलो भैया इसे अभी फेंक देते हैं यहाँ पे, एंटरडा बन गया हमारा हल्क आर्मर। लेट्स ट्राई दिस, अब तुम लोग को मैं दिखाता हूँ हल्क का पावर। तो चलो टोपी पहन लिया, जूता पहन लिया, शर्ट पहन लिया, एंड फाइनली पैंट पहन लिया, एंड ये देखो मैं बन चुका हूँ हल्क। हे अब बता तू अब मैं किसको मारू, ये देख रहे हो मैं कितना ऊंचा जंप कर पा रहा हूँ। एंड अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ये यहाँ पे क्या है, तो ये देखो यहीं पे निक फ्यूरी रह रहे हैं। अरे मैं घुस ही नहीं पा रहा हूँ यार, मैं कितना बड़ा हो गया हूँ कि मैं अंदर ही नहीं घुस पा रहा हूँ। अरे रुक जाओ पहले ट्रांसफॉर्म होने दो। हाँ तो अब देखो अब घुस पा रहा हूँ। तो ये देखो निक फ्यूरी यहीं पे डर रहे हैं। हाँ पता है बहुत घटिया लग रहा है, लेकिन सही हुआ निक फ्यूरी हमेशा मुझसे काम करवाते रहते हैं। अब रहे वो इस छोटे से झोपड़पट्टी में। गाइज अब चलो मैं तुम लोग को पहले हल्क आर्मर का पावर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो ये देखो मैं कितना ऊंचा उछल पा रहा हूँ, और अब इन सभी चिकन पे मैं तुम लोग को थंडर क्लैप दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई चिकन बिरयानी बन गया इन लोगों का, देख रहे ये थंडर क्लैप कितना ज्यादा पावरफुल है। और अब क्या दिखाऊं, हाँ ये स्मैश पावर दिखाता हूँ। देखो स्मैश करने से ये देखो क्या होता है, तबाही भाई तबाही हो जाता है। और अब मैं तुम लोग को अपना सुपर जंप दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई कितना ऊंचा मैं उछल पा रहा हूँ, ये देखो तुरंत विलेज भी पहुंच गया। गाइस ये हल्क आर्मर तो सही में बहुत ज्यादा ओपी है। ये देखो हेलो कैसे हो तुम लोग। ओ भाई ये देखो यहाँ पे कोई डूब रहा है। अच्छा ये डूब नहीं रहा है बाथ ले रहा है। सही है हम लोगों को डेली नहाना चाहिए। एंड यार कोई जॉम्बी तो मुझे दिख नहीं रहा है जिसपे मैं तुम लोग को अपना पावर ट्राई करके दिखा सकूं। ओ रुक जाओ व्हाट द हेल इज दिस। ओ भाई हेलो ये क्या है यार, डॉक्टर पनीर पकौड़ा लाल ने इस वर्ल्ड में क्या क्या कर दिया है। आ जाओ वैसे भी मैं तुम लोग को अपना पावर दिखाने ही वाला था। तो ये देखो एक शॉट में ये सब मर जाते हैं। और अब कौन सा पावर दिखाओ, वर्ल्ड ब्रेकर दिखाओ। हाँ तो ये देखो वर्ल्ड ब्रेकर भाई ये देखो कितना खतरनाक है, ये तो पूरा तबाही मचा देता है। ये देखो पूरा तबाही मचा सकता हूँ मैं। ओके ये कुछ ज्यादा ही तबाहीदार था, अब ऐसा नहीं करेंगे। अरे मार रहा है मुझे, बदतमीज मारो नहीं मैं तुम्हें बंस आउट कर दूंगा। तो गाइज अब चलो हम लोग चलते हैं न्यूयॉर्क सिटी को बचाने, वैसे भी बहुत ज्यादा टाइम। व्हाट द हेल इज दिस, अरे मेरे विलेज पे भी अटैक हो गया, ये स्पिटिंग ट्रॉल ने अटैक कर दिया। अरे यार न्यूयॉर्क तो मैं बाद में जाऊंगा, पहले मुझे इसे डिफीट करना पड़ेगा। तो ये छुप के बैठा कहाँ है मुझे दिख नहीं रहा है। हेलो सर क्या आप पानी में स्विमिंग कर रहे हो। अरे पानी में तो कुछ दिख नहीं रहा है यार, ये बंदा है कहाँ। डरफोक फाइट मी, कहाँ छुप के बैठे हो। अरे यार वो स्पिटिंग ट्रॉल कहाँ भाग गया मुझे दिख ही नहीं रहा है, बस अपने चमचे को भेज रहा है यहाँ पे। उसे मुझे ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो वो तो मेरा आयरन मैन वाला बेस तबाही कर डालेगा। क्या वो है, वो रुक जाओ मिल गया, वो देखो वो रहा भाई। ये दिखने में तो छुटंकू लग रहा है, ये देखो मेरे सामने कितना छोटा है। अरे छुटंकी मार रहा है, भागो। अरे मैं भाग क्यों रहा हूँ, मैं तो हल्क हूँ, इस छुटंकी को तो मैं एक शॉट में मार सकता हूँ। ये लो छुटंकी मर जाओ, देखा एक शॉट में मैंने इसे कितना डैमेज कर दिया। एंड ये भी मुझे डैमेज कर रहा है भाई, इसने तो मुझे हवा में ही उछला दिया। देखो पिद्दी हो तुम पिद्दी, मुझसे फाइट ना करो, मर जाओगे। भाई देख रहे हो इसकी हेल्थ मैंने कितनी कम कर दी। रुक जाओ इसे तो मैं बस थंडर क्लैप से मारूंगा। ये देखो भाई मर गया, इसीलिए कहता हूँ डैडी हल्क से पंगा नहीं लिया करते। अरे व्हाट द हेल, ये देखो और भी आ गए एंड ये लोग आपस में ही फाइट करने लगे। ओ भाई यहाँ पे तीन है। अच्छा सही है फाइट करो, मैं भी हेल्प कर देता हूँ। ये लो मर जाओ रुक जाओ थंडर क्लैप मारता हूँ। ये लो कोई मरा, अरे कोई नहीं मरा भाई, मुझे भी डैमेज हो रहा है। रुक जाओ इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पे अटैक करने की, अभी बताता हूँ। भाई तुम लोगों ने मुझे गुस्सा दिला दिया, ये क्या बार बार तुम लोग आई जा रहे हो। लगता है दो ऑलरेडी मर गए हैं, ये आखिरी बचा है। अरे यार मारो मत प्लीज, हम लोग भाईचारा से रहते हैं। डॉक्टर पनीर पकौड़ा लाल तुम्हें धोखा दे रहा है। देखो मेरा काम तो हेल्प करना था, अब ये लोग सुन ही नहीं रहे तो मैं क्या करूं। तो आई गेस हमारे विलेज पे अटैक ओवर हो चुका है। हेलो कोई और भी है यहाँ पे, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है फिलहाल के लिए। देख रहे हो इन लोगों की हिम्मत, मेरे बेस पे ही अटैक कर दिया भाई। अब उस इविल साइंटिस्ट से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। ओके तो मैंने अपने आयरन मैन वाले बेस को तो प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन क्या मैं न्यूयॉर्क सिटी को डॉक्टर पनीर पकौड़ा लाल के चमचों से बचा पाऊंगा। जानने के लिए अभी के अभी वीडियो पर लाइक मार दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।